मशहूर शख्सियत जैकमा बाद दी मशहूर शख्सियत मतलब इस जड़ा विक्टोरिया टावर तो बाद मशहूर जगह है मशहूर शख्सियत है वो अब्दुल गफूर डाड़ी मसाद गफूर गफूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है ठीक हो तबीयत से ठीक है मेरा नाम हमजा सुल्तान है और तुसा वेदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ सुल्तान तो साडा दोबारा इस व्लॉग में खुश आमदीद है दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ जिन्हें लोगों मेरे मामू हजूर वास्ते दुआ की है उन्होंने सेहत वास्ते दुआ की है मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ कि उन्होंने दुआव कीतिया उन्होंने अल्लाह पाक लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई है और शुक्र अलहमदुल्ला उन्होंने हूँ हॉस्पिटल को डिस्चार्ज भी हो गया और मैं शुक्रिया अदा करेंदा उन्होंने दोस्तों का जिन्हें मैंने कमेंट बाकायदा दुआ दी दुआ करके विखाई है दुआ दी है उन्होंने सब का मैं बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम हाँ खुश हो ठीक है हाँ कल बदी थी ना जी जी अमां भी आई अमां भी मुझा बाल आया ना लाइन आया खबर लाइंदा थे सुबह मां के चवन गया अच्छा जमा लेगा थे चक्कर थे बुलाया या ना लाइन जाचा था हां जाच के हूं तबियो तो दोस्तों ये मुलाकात क्योंकि मेरा पता हुन लगदा पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों नु कि मैं इत्थे आ चुका जैकमा बाद सिंध च और इंशाल्लाह हुन जड़ा सारा व्लॉग बढ़सी वो भी सिंध च बढ़सी सिंध दे थानू हिस्टोरिकल जगहियां विखेसूं सिंध थानू विखेसूं कि सिंध च केड़ियां केड़ियां जगहियां हैं इत्थे मशहूर फेमस जगहियां इस टाइम फेमस जगह इत्थे जैकमा बाद सिटी च 10 एक फेमस जगहियां जड़ियां मैं थानू विखेसा इंशाल्लाह हिस्टोरिकल प्लेस इन जिमें जॉन जेकब दी ग्रेवयार्ड है कबर है कब्रिस्तान है जॉन जेकब जेड़े इत्थे जनरल रह चुके हैं बानी है जैकमाबाद बानी है सिंध हैं उन्हों दा थानू मज़ार विखेसूँ उस तो इलावा उन्हों दी काफ़ी अजियां चीज़ा हैं जड़ियां सस्पेंसिव हैं ठीक है वह मैं थानू हाली सस्पेंसिव रखता पाया वो थानू इंशाल्लाह उत्थे ही बन के विखावनियां कि केड़ी केड़ी चीज़ हो सी उत्थे ठीक है हुण चलदे हां उदां ही दोस्तों एक थानू मज़े की गल दसण मैं भुल गया एक थानू मज़े की गल दसा जैकमा बाद एक वैसे तो बहुत क्वालिटी वाला शहर है जॉन जेकब बड़ाया है लेकिन इतने एक बहुत बड़ी खुआरी है वो खुआरी मैं थानू दसण लगा थोड़ा दिल थाम के बैठो वो खुआरी यह है कि इतने पानी कोई नहीं त्रै दी बाद मैं धाता ठीक है और पानी तो कोई नहीं मिठा पानी तो बिल्कुल है ही कोई ना मिठे पानी का तो कॉन्सैप्ट ही कोई नहीं ठीक है जी मिठा पानी गोलन वास्ते वरी टेंशन होंदी और मिठा पानी इत्थे पैसों नाल मिलता है ठीक है इत्थे खोते रेड़े ते लोग पानी भर के आंदे डब्बे वड़े वड़े डब्बे डब्बे की कीमत घणी है 30 रुपया भाई 30 रुपए का डब्बा है 30 रुपए का डब्बा है भाई 30 रुपए का 30 रुपए का डब्बा है वो डब्बा लहा के तो अगो आपको पता है 30 रुपए के डब्बे नाल बंदा करण धा सकदा है गर्मी व सर्दी व जो भी होवे बंदा धा नहीं सकता सर्दियां तो चलो वलती चल वेंदा है दो दिन हुण मैं दो दिन बाद धाता खड़ा ठीक है हुण वेखसा है ए दो दिन बाद वत मैं धासा बस इत्थे ए मसला है बहुत वड्डा बाकी जैकमा बाद ओवरऑल बहुत प्यारा है बहुत मज़ेदार थानू आप नू फिरेसा टुरेसा थानू मज़ा आसी हिस्टोरिकल जगहियां वेखसो बहुत मज़ा आसी ओके मिलते हैं हुण हिस्टोरिकल एक जगह ते वेंदे पे उत्थे मिलते हैं चाबी का थोड़ा बहुत मसला बढ़िया होया विक्टोरिया टावर ये सामने इसका थोड़ा मसला बढ़िया होया लेकिन हुणे मसला हल हो गया सी ये वो कपड़े वाला है जिसके पास चाबी होती है और चाबी इन्हों को लेके वाल असा विक्टोरिया टावर का दरवाज़ा खुलसूँ क्योंकि इन उत्ते पाबंदी है लेकिन थोड़ा आपको पता साडा तो मिठी जबान है ना जामे शीरी बहुत पीती है इस वजह को सारे वास्ते खुलता पे कलर हाँ कलर कलर होगा ये दोबारा से बनेगा इसे थोड़ी मुरम्मत की ज़रूरत है कलर फिनिशिंग वगैरह होगी आप क्या कहते हो हाँ बस होगी इंशाल्लाह दुआ करो पहली चाबी लगे ना पाई हूँ दूसरी चाबी लगन गए खुलसी खुलसी अंदर वैसे उतनी मंजिल थानू भी खेसूँ बड़ा मज़ा आसी तुसा सारे नाल बड़े रहो यार जै जै लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब हूँ तक नहीं किया चैनल में बराए मेहरबानी कर लो जल्दी जल्दी करो
ਜੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ जॉन जेकब जनरल जॉन जेकब जनरल इस जेकमाबाद मतलब जेकमाबाद तो उस तो बाद ही इसका नाम बढ़िया आई लेकिन इसका पहला नाम जोड़ा इस जेकमाबाद सिटी का वह खानगढ़ खानगढ़ जनरल है उस टाइम ये टॉवर वगैरह कुछ भी ना आई लेकिन जनरल जेकमाबाद जॉन जेकब का इतने ट्रांसफर होया जनरल बड़े उन्होंने इस टावर की तमीर की इस टावर को बढ़ाया और इस टावर का ना है थोड़े सामने विक्टोरिया टावर लिखा होया मलका विक्टोरिया के नाँ वाले टॉवर है इनकी ऊंचाई जी 60 फीट है 60 फीट की हाइट है और इसकी सब तो मेन चीज़ मैं थोड़ा दसन लगा जी बहुत कमो पेश बंद पता हो सी लेकिन अलहमदुल्ला मैनू पता और मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहना वो ये है कि इस टॉवर की जी घंटी है ठीक है जी जी घंटी लगी हुई है वह दुनिया की नायाब तरीन घंटी है दुनिया की वाहिद वह घंटी है जी टाइम और मौसम सब कुछ दस सकती है और उस टाइम के दौर इतने ये सिस्टम हों कि जेकमाबाद की जितनी भी आवाम आँगी उन्होंने जगावन वाली एक घंटी आँगी अच्छा हमको सिखा रही है घंटी तो लोग जगते हैं लोगों नमाज पढ़ावन वाली एक घंटी आँगी है लेकिन हूँ हालात अजे हो गए थोड़े सामने इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता है हालत है और उसकी वजह को इसकी घंटी भी खराब हो चुकी है और इन उत्ते कोई तवज्जा भी कोई नहीं है थोड़े सामने बेहद खूबसूरत टावर है और इंदिया घंटिया शंटिया एक घंटी का रस्ता है ये वेखो इतों सीढ़ियाँ लगिया हुई हैं लेकिन इस टाइम सीढ़िया सीढ़िया हर चीज़ खत्म हो चुकी है थोड़े सामने लेकिन इसका यह कि अज भी इस जड़ी ए तारीखी टावर है नायाब टावर है नायाब घंटी इस लगी हुई है अज भी लोग इनू वेख के जेकमाबाद की हिस्टरी याद रखते हैं कि यार जेकमाबाद जॉन जेकब अच्छा जॉन जेकब का मैं थोड़ा दसा जॉन जेकब जेड़े वो जनरल हैं इतने उन्होंने मज़ार भी इतना ही है और वो बेहद काइंड जिमें सुने क्योंकि मैं उस टाइम हम कोई ना मैं तो उस टाइम जिम्मा हुआ ही कोई ना ये बड़ी अच्छी बात कही यार लेकिन असा यह सुने कि वह बहुत ज्यादा काइंड परसन हैं ठीक है जितनी भी इतने एग्रीकल्चर का जितना भी सिस्टम है ये जॉन जेकब बढ़ाया ठीक है जॉन जेकब बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे बंदे मतलब इतने आवाम नाल जितने नाल मैं बंदे नाल मिलिया लोगों नाल मिल के मैंने ये पता लगे कि जॉन जेकब बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हों का कब्र भी इतना ही है
जॉन जैकब की उस पर भी चलसूँ इंशाला मैं थोनों जॉन जैकब की कबर भी विखे सा और मजीद उन्होंने बारे लोगों को पूछताछ करके थानू उन्होंने हवाले न दसे सी इतने क्या क्या किया। उस तो इलावा उन्हें एक हाउस बनाया पिजन हाउस कबूतरों का घर बेहद खूबसूरत और बेहद नायाब और तारीखी घर है। तो साडा इरादा बड़ा करोता टावर थानू उत्तू विखाऊँ इसके कबूतर वो सामने कबूतर बैठे वो कबूतर ही थानू विखाऊँ और सारा माहौल थानू विखा देसूँ। लेकिन उस माहौल विखावण वास्ते कोई बंदा नेकी करे असानू सीढ़ी देवे तो असा एक गैप भी तय कर बैसूँ वन के चढ़ वैसू उत्ते मसला नहीं है। दाढ़ी पहले पहले चढ़सी इंदा ना ही वे दोस्तों अब्दुल गफूर उर्फ दाढ़ी ये अब्दुल गफूर क्या नाम है इंदा अब्दुल गफूर उर्फ दाढ़ी मशहूर शख्सियत जैकमाबाद दी मशहूर शख्सियत मतलब इस जड़ा विक्टोरिया टावर तू बाद मशहूर जगह है मशहूर शख्सियत है अब्दुल गफूर दाढ़ी फाइनली दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खैर नाल घर पहुंच गए बहुत ज्यादा थक गए बहुत ज्यादा आज टूर मारे है और रशकश भी बहुत ज्यादा आई थोड़े सामने जिन्हें दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी करो यार इतनी मेहनत करते पे थोड़े वास्ते ही करते पे सपोर्ट करो यार सुल्तान नू अपने अपने सुल्तान नू सपोर्ट करो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करो करो यारो क्या हो गया है वे करो क्यों नहीं वे करें दे किड़े पैसे लगते पे असा इतनी मेहनत करेंगे पे थोड़ा हक बढ़ता है सानू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो गलतियां दसो कोई खामियां दसो कितें कोई मसला है वह दसो ठीक है जरूर दसो और अज का व्लॉग करेंगे इतें ही एंड इंशाल्लाह मिलसूँ एक नवी कहानी नाल कल एक नवी कहानी नाल मिलसूँ जब तक दियो अपने मेज़बान सन ऑफ सुल्तान नू इजाज़त अल्लाह हाफिज़।